हाथरस सत्संग हास्य में 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल। हाथरस सत्संग हास्य में 121 लोगों की मौत के मामले में मंगलवार को पुलिस ने 3200 पेज की चार्जशीट CJM कोर्ट में दाखिल कर दी है। इसमें दो महिला सहित कुल 11 आरोपी बनाए गए हैं। सिकंदरा राव के गांव मुगलगढ़ी फुलरई में 2 जुलाई को विश्व साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरज पाल के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। मुख्य सचिव DGP से लेकर मुख्यमंत्री तक हाथरस में आए। CM ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया, मीडिया को पूरे हादसे के बारे में बताया। 2 दिन तक DGP और मुख्य सचिव हाथरस में डेरा डाले रहे। रात को ही पुलिस ने इस मामले में सिकंदरा राव कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन इसकी विवेचना CO City राम प्रवेश राय को दी गई। उनके साथ सहायक विवेचक के रूप में कोतवाली सदर इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह को लगाया गया। लगातार विवेचक पूरे मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए घटनास्थल गए। जो लोग इस सत्संग में जुड़े थे और प्रत्यक्षदर्शी थे, उन सभी के बयान दर्ज किए गए। SIT भी इस मामले में 150 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है, लिहाजा उन तमाम नामों में से पुलिस ने उनके बयान लिए हैं। इसके अलावा जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई है, उनके परिजनों के भी बयान लिए गए हैं। इन सभी साक्ष्यों को पूरा करने के बाद मंगलवार को पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने सभी आरोप पत्र का संज्ञान नहीं लिया है। इस प्रकरण में अभी तक 2 महिला आरोपियों की गिरफ्तारी से सशर्त अंतरिम जमानत हो चुकी है, लेकिन बाकी आरोपियों में से किसी को जमानत नहीं मिल पाई है। आरोप पत्र दाखिल के बाद पुलिस का काम खत्म हो चुका है। आज जो 2 जुलाई को नारायण साकार हरि जी के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में एक साजिश और षड्यंत्र के तहत जहरीली गैस का स्प्रे करके कई हमारी श्रद्धालु बहनों, माताओं और बच्चों को आहत किया था, जिससे उनकी मौत हुई थी। उसमें इन्वेस्टिगेशन लगभग कंप्लीट हो गई है और आज इसमें चार्जशीट फाइल करेंगे, ऐसी आशा है। और सभी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, UTP हैं इस केस में, जो मुख्य सेवादार और जो बनाए थे उन्होंने उस समय जल्दबाजी में जो अभियुक्त मुलजिम बनाए थे, उनकी सभी की आज यहाँ CJM साहब के यहाँ पेशी है और पेशी होगी। उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग जो भी है वो आगे होगी और उसकी सुनवाई आगे शुरू की बेल हो गई है। इसमें 2 महिलाओं की बेल है हुई है, उसकी एंटरिम बेल एक लगी थी तो उसमें एंटरिम मंजू यादव और दोनों मंजू हैं, उनकी अंडरवल इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल हुई है और आगे का प्रोसेस अब यहाँ आगे चल रहा है। कुछ सेक्शन उसमें लगाई हैं, कुछ सेक्शंस बढ़ाई गई हैं, कुछ उसमें चीज़ें रहीं जिसकी वजह से कुछ सेक्शन अभी बाद में ऐड की गई हैं और उस सेक्शन को आधार बना करके जो इन्वेस्टिगेशन के बाद अब चार्जशीट आएगी वो मिलेगी, वो देखेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग होगी। उस समय भी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर कुछ कमियां रहीं, क्योंकि जो तथा कथित लोग थे जो इस भगदड़ को कराने में साजिशन थे, वो आगे आगे आते रहे और उन्होंने अपने झूठे मनगढ़ंत साजिश षड्यंत्र बयान देकर के इन्वेस्टिगेशन को, जो SIT के द्वारा जांच हो रही थी, SP हाथरस के द्वारा जांच हो रही थी, उस जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया है। लेकिन हमने उन सब चीज़ों को दूध का दूध पानी का पानी करते हुए 1100 एफिडेविट लोगों के जो वहाँ उपस्थित थे, आई विटनेस थे, जिनके मोबाइल लोकेशन वहाँ की थी, आधार कार्ड और उसके आधार पर उनके द्वारा सत्य प्रमाणित एफिडेविट नोटराइज के द्वारा वो हमने माननीय न्यायिक आयोग को भी दिए हैं, SP हाथरस को भी दिए हैं, SIT टीम को भी दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तथा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस को भी दिए हैं, सौंपे हैं। वो भी हमारी जांच का हिस्सा शामिल होगा, क्योंकि SIT ने अपने जो जांच के बिंदु बनाए थे उन सब जांचों में होते हुए एक 16वां पॉइंट हमारा ये था कि इस घटना में साजिश और षड्यंत्र जो हुआ उस एंगल से जांच होनी चाहिए, उसके आधार पर आगे प्रोसीडिंग होगी। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होली गेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।